हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं नीट प्रिपरेशंस के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आई हूँ। मुझे पता है आप लोग बहुत परेशान हैं इस समय कि पढ़ाई कैसे करें, क्या स्ट्रैटेजी हो, कैसे 2020 नीट को क्रैक करें। तो इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए, पहले नीट के कुछ बेसिक्स को जानिए, उसको क्लियर करिए, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी बनाइए। तो आज का मेरा जो वीडियो है पूरा एंड तक देखिएगा, आपको बहुत काम आएगा। हो सकता है आपकी स्ट्रैटेजी में ये एक स्टेप आपको शायद ऊपर ले जाए। ओके, तो चलिए अब हम बेसिक नीट के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। नीट में टोटल 180 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें हर क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे एंड यू हैव टू टेक 1 आउट ऑफ इट। टोटल टाइम ड्यूरेशन आपका 3 आवर्स का होता है। पूरा पेपर आपका 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जियोलॉजी। हर सब्जेक्ट में आपके 45 क्वेश्चंस अलॉट किए जाते हैं। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स। तो अगर फिजिक्स को देखें तो 45 × 4 मेक्स 180 मार्क्स इन फिजिक्स। ऐसे ही केमिस्ट्री में भी 180, बॉटनी जियोलॉजी में भी 180 नंबर आपको मिलते हैं, विच मेक्स टोटल 720 मार्क्स। तो 180 क्वेश्चंस आते हैं और 720 मार्क्स का पेपर आपका बनता है। अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो देयर इज 1 मार्क डिडक्शन फॉर योर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज पर अगर बात करें तो बच्चों इसमें इंग्लिश, हिंदी, कई सारी रीजनल लैंग्वेजेस भी ऐड हैं, लाइक तेलुगु, तमिल, बंगाली। यू कैन ऑप्ट फॉर द लैंग्वेज ऑफ योर चॉइस। अगर आप कोई रीजनल लैंग्वेज अपनी ऑप्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बंगाली, तो आपका पेपर बंगाली और इंग्लिश दोनों वर्जन में आता है। इन केस ऑफ एनी एम्बिग्विटी, जो इंग्लिश वाला वर्जन होगा, इट इज ट्रीटेड एज फाइनल। तो ये तो कुछ बेसिक्स था। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तैयारी कहाँ से करें। तो बच्चों, नीट की प्रिपरेशन के लिए कुछ अच्छी बुक्स हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहली बुक है आपकी HC वर्मा, दिस इज वेरी गुड बुक फॉर योर कॉन्सेप्ट्स। सेकेंड आपकी बुक है DC पांडे, विच इज बेस्ट फॉर योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। थर्ड, अगर आपको रिवाइज करने हैं अपने चैप्टर्स, सो यू कैन स्टार्ट विद द NCERT 11th एंड 12th बुक। इन सब के अलावा भी गवर्नमेंट ने इस लॉकडाउन में आपके लिए कुछ अच्छी सुविधाएं रखी हैं। यूनियन HRD मिनिस्टर ने एक ऐप लॉन्च किया है। यस, आप उस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप प्ले स्टोर में जाएंगे तो ऐप का नाम है नेशनल टेस्ट अभ्यास। इस ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए, इसमें आप साइन इन कर लीजिए। जब आप इसमें साइन इन कर लेंगे तो आपको कई सारे मॉक टेस्ट पेपर मिलेंगे। यस, उसमें JEE लिखे हुए हैं, बट इट कंसिस्ट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड क्वेश्चंस रिलेटेड टू नीट एग्जाम्स। इससे आप अपनी पढ़ाई का लेवल देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। वन बाय वन कई सारे मॉक टेस्ट पेपर हैं। अगर आप कोई भी मॉक टेस्ट पेपर क्लिक करते हैं तो ये मॉक टेस्ट पेपर का टाइम ड्यूरेशन बच्चों 3 आवर्स है, जिसके अंदर 75 गुड क्वेश्चंस इन्होंने सेलेक्ट किए हैं। वन बाय वन आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते जाइए एंड फाइनली दे विल लेट यू नो कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किए। तो दिस इज द बेस्ट वे गिवन बाय द गवर्नमेंट फॉर यू ऑल टू प्रिपेयर फॉर योर नीट प्रिपरेशन। तो इसको भी डाउनलोड कर लीजिए, काफी हेल्पफुल है। इसके अलावा मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा बच्चों, वो नीट फिजिक्स पर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में मैं बात करूंगी। नीट में तो ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं फिजिक्स की, अगर हम बात करें 11th और 12th के, लेकिन क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस टाइप के टॉपिक्स आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है ऑन फिजिक्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर नीट एग्जाम्स, इसको ज़रूर देखिए, इट विल श्योरली हेल्प यू। सो दिस इज़ अबाउट माई टुडेज वीडियो। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, डू मेंशन ऑन द कमेंट बॉक्स एंड होप इट हेल्प्स।